तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ लाइव आप सभी बच्चों से बातें करने के लिए। और आप सभी विद्यार्थियों को एक बात यहाँ पर मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर डलेगा, ठीक है। आज यहाँ पर आप और हम जो कोई भी बात करेंगे तो ये हमारे बीच की जो वार्तालाप है, ये हमारे बीच की बातचीत यूट्यूब पर डलेगी, ठीक है। तो अगर आप 9th क्लास के बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चे हो, 11वीं क्लास के बच्चे हो, 12वीं क्लास के बच्चे हो, आपके मन में जो कोई भी प्रश्न हो आप उन प्रश्नों को मुझसे पूछिए और हमारे बीच की सारी वार्तालाप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डलेगी। तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न पूछना है जो प्रश्न आपके भी काम आए और यूट्यूब पर जो बच्चे इस वीडियो को देखे उनके भी ये वीडियो उनको भी ये काम पर आए, ठीक है। और YouTube पर अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी अगर इस प्रकार मुझसे लाइव टू लाइव फेस टू फेस बात करना चाहते हो तो आप लोग मेरा Instagram अकाउंट भारतीय शेयर ऑफिशियल Instagram पर जाइए, भारतीय शेयर ऑफिशियल BHARTIYA भारतीय शेयर ऑफिशियल, इस पर जाकर के आप लोग सर्च करें और मेरी आईडी को फॉलो कीजिए और जैसे ही फिर मैं लाइव आऊंगा तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। तो आप लोग को और इसके साथ साथ आप लोग को अपना फेस भी दिखाना है। कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में फिर फेस अपना ऑफ कर लेते हैं। अच्छे से कपड़े पहन के बैठिए क्योंकि आला वीडियो यूट्यूब पर डलेगा। आप लोग के मन में जो भी प्रश्न है पढ़ाई से लेकर के पढ़ाई कैसे करना है, आपको जो जो समस्या आती है आप सारे के सारे प्रश्न इस लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। तो हम एक एक करके बच्चे लोग को जोड़ेंगे, आप लोग अपने प्रश्नों को तैयार करके रखिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं किसको जोड़ा जाए। तो यहां पर हम सबसे पहले शिवम को यहां पर हम जोड़ते हैं, ठीक है। अनिकेत राज, जो कोई भी बच्चा ज्वाइन होकर बात करना चाहता है वो ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज सकता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने भेज चुके हैं, चलो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ज्वाइन पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है। हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, थोड़ा माइक पास में रख के बोलिए। आप कौन सी क्लास में हो अभी? सब 10th क्लास में। अच्छा 10th क्लास पास कर ली हो क्या? सब सप्लीमेंट्री है। अच्छा सप्लीमेंट्री आई है, कौन कौन से विषय में आई है? अच्छा मैथ्स में आई है और इंग्लिश। इंग्लिश, अच्छा आपको मैथ्स और इंग्लिश में आपको सप्लीमेंट्री आई है। आपका नाम और आप कहाँ से हो? एमपी। मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ से हो आप? छतरपुर। छतरपुर से हो, तो देखो बेटा आपको आप छतरपुर से और आपको गणित में और आपको अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री आई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म आपने डाल दिया। हाँ चलो बहुत अच्छा, आपने सप्लीमेंट्री का फॉर्म डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग का सप्लीमेंट्री एग्जाम 21 जून से हो रहा है। कब से हो रहा है? 21 जून से। तो आपके पास अभी पूरा पूरा एक महीने से ज्यादा का समय है। तो अंग्रेजी और गणित ये दो विषय पूरा याद कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करो, अंग्रेजी का जो प्रश्न बैंक है उसको पूरा याद कर लो। उसके बाद गणित का जो प्रश्न बैंक है, गणित का प्रश्न बैंक पूरा का पूरा याद कर लो। और अब एक महीने के लिए देखो सप्लीमेंट्री आई है तो ये मैं समझो कि हमारे लिए घाटे की बात है। आपको सप्लीमेंट्री आई तो ये आपके लिए बेनिफिट की बात इसलिए है क्योंकि आप अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम में गणित में अगर आप 80 में से 80 अंक लेकर के जाते हो और अंग्रेजी में अगर आप 80 में से 80 अंक लेकर के जाते हो तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। मेरी बात समझना,
आपके पास परसेंटेज बढ़ाने का चांस है, वो भी दो विषय में। आप खुद सोच के देखो, अगर आप मान चलो कि अंग्रेजी का पेपर आपका 80 नंबर का है, और अगर आपने ढंग से 15 दिन भी अंग्रेजी याद कर लिया, 15 दिन में आपको पूरी अंग्रेजी याद करके हो जाएगी, और अगर आपने अंग्रेजी में अगर 70 से ऊपर नंबर लेकर के आ गया, आपने गणित में अगर 70 से ऊपर 70 से ऊपर नंबर आपने गणित में लेकर के आ गया, तो मैं लिख करके दे रहा हूं आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। आपका परसेंटेज 10 गुना बढ़ सकता है, 10% बढ़ सकता है आपका। अगर आपका 50 बना होगा तो आपका 60 बन जाएगा, आपका 60 होगा तो आप 70 पे पहुंच जाओगे। तो ये मैं समझो कि सप्लीमेंट्री है तो हमारे लिए नुकसान की बात है, नुकसान में भी फायदा ढूंढना सीखो। ये आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि चाहे कुछ हो जाए, इस बार दोनों के दोनों एग्जाम में, गणित के एग्जाम में और अंग्रेजी के एग्जाम में, हमको कितने नंबर लेकर के आना है, 80 में से 80 अंक लेकर के आना है, और पूरी तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, ब्लूप्रिंट पूरा वही रहेगा, परीक्षा का पैटर्न पूरा वही रहेगा, सब कुछ पूरा A to Z रहेगा, बस आपको पढ़ना है, और एक महीने पूरा मेहनत से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखो प्रश्न बैंक से आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी अपन नहीं दे सकते, लेकिन सबसे पहले आप प्रश्न बैंक से ही तैयारी करो, और जब प्रश्न बैंक पूरा करके कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर गणित आप बुक से तैयार करो, और पिछले 4 साल के जो गणित के पेपर है फिर उसको तैयार कर लो, और अंग्रेजी के तो आपको पिछले 4 साल के पेपर मिलेंगे नहीं क्योंकि इसी साल बुक चेंज हुई है, तो अंग्रेजी में आप प्रश्न बैंक से तैयारी करो, उसके बाद समय बचता है तो फिर पूरा पूरा शिवलाल की गाइड हो गई, या फिर कोई जो आपको आपको जो गाइड पसंद हो आप उस गाइड से उसको आप याद करना शुरू कर दो, है ना। लेकिन मेहनत करो, अब कमी मत छोड़ो, अभी तक अभी पढ़ाई नहीं करे ना तो फेल हो, दो विषय में फेल हो गए ना, अब पढ़ो, जब जागे तब सवेरा, हार मत मानो, अब पढ़ो, अब अच्छा रिजल्ट लेकर ला करके दिखाओ, अब दो के दो विषय में अच्छे अंक लेकर के आओ, ठान लो अपने मन में। ठीक है, ठीक है, तो अब आप कट कर दीजिए ना, बात हो रही है तुरंत कट करते जाइए, और भी बच्चों से बात करना, ठीक है। बट आप कहां से, आपका नाम सर? दीपक। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब आप जाइए ना। बेटा आपका नाम क्या है? दीपक। अच्छा दीपक, आप कहां से हो बेटा? MP आगरमालवा। कहां से? आगरमालवा सर, आगर से। आप अच्छा, सागर जिले से आप? आप कौन सी क्लास में हो? आगर जिले से। सागर? आगर। आगर से हो गया? हाँ सर। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट जिला? डिस्ट्रिक्ट आगर मालवा। मालवा, हाँ। चलो आपका नाम? दीपक सूर्यवंशी। अच्छा दीपक सूर्यवंशी, हाँ। बट आप कौन सी क्लास में, और आपकी क्या समस्या पढ़ाई लिखाई में? सर मैं क्लास 10th में हूँ, लेकिन मेरे परसेंटेज बहुत कम बने सर। कितना बना आपका? 60। 60 बना, तो क्या विचार है फिर आपका? तो सर मेरा विचार है कि मैं मैथ्स लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या लूँ सर? अभी देखो बेटा, आपका 60% बना हो, 50 बना हो, 30 बना हो, 40 बना हो, ये वैल्यू नहीं करता, ठीक है। और परसेंटेज देखो, हमारा कार्य था मेहनत करना, आपने मेहनत किया, आपने अच्छे से पढ़ाई किया, आपने लगन से पढ़ाई किया, आपका 60 बना, बन गया ना। अब क्या उसके बारे में सोचने से, उसके बारे में टेंशन लेने से क्या आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ने वाला, 60 बना ना, तो 60 आपका क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। अब वो समय तो वापस लौट के आने से रहा, तो अब आपको ये प्रयास करना है कि जो आगे की क्लास है, जो हमारी क्लास 11th है और जो हमारी क्लास 12th है, हमको क्लास 11th और क्लास 12th में हमको अच्छा रिजल्ट लेकर के आना है। आपको आगे ये प्रयास करना है कि हमको आगे की जो क्लास है, क्लास 11th और 12th, उसमें प्रयास करना है कि हम उसमें अच्छा स्कोर करके लगाएंगे। और कई सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखा हो जिनका 10th क्लास में 55% है, और वो 12th क्लास में जाकर के वो MP के टॉपर बन चुके हैं। तो आप भी बन सकते हो, आप भी अपना नाम रोशन कर सकते हो। और 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेने का आपने सोचा हो? सर बायो। अच्छा बायो, बहुत शानदार सब्जेक्ट है, बायो ले रहे हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, नीट का एग्जाम निकाल सकते हो, बहुत आगे बहुत स्कोप है बायो लेने में, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बहुत कुछ स्कोप है आपके पास।
सर आप 11th पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे यूट्यूब पर? हाँ 11th क्लास पढ़ाऊंगा मैं, केमिस्ट्री वैसे मैंने पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर मैंने 11th क्लास के पढ़ा भी चुका हूँ। आप भारती शेर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, भारती शेर 11th केमिस्ट्री, भारती शेर 11th केमिस्ट्री, तो आपको मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। और आगे मैं क्लास पढ़ाऊंगा, 11वीं क्लास पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है सर? हाँ ठीक है बेटा, हाँ बाय बाय। हाँ नमस्कार बेटा। नमस्कार सर। क्या नाम, कहाँ से हो बेटा आप? मैं श्योपुर से, श्योपुर से। अच्छा श्योपुर से हो, अच्छा क्या आपका कुछ प्रश्न? नहीं मेरा प्रश्न ये है कि मेरे 77% बना है। हाँ चलो बधाई हो, 77 बहुत अच्छा स्कोर करे आपने। अब क्या करें, अब बाहर पढ़ेंगे तो और ज्यादा करेंगे, 12th में ज्यादा पढ़ाने की सोच रहे हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे। बिल्कुल मेहनत करना, आगे मेहनत करना, जो बन गया सो बन गया, आगे मेहनत करना हमको अच्छे से। आगे की सोच रहे हैं सर। कुछ प्रश्नों मन में पढ़ाई से जुड़ा हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं कुछ नहीं है सर। हाँ ठीक है, तो फिर आप जाइए है ना आज का, बाय बाय बेटा है ना, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। छोटू छोटू शकल नहीं दिख रही, लाइट में आओ। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार बेटा, कहाँ से हो आप? मैं विदिशा, विदिशा, विदिशा। अच्छा विदिशा से हो गया, विदिशा। हाँ अच्छा, हाँ कौन सी क्लास पास कर लियो बेटा? 9th। अच्छा 9th क्लास पास कर लियो, 10th में आए होगा ना? हाँ। आवाज साफ आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा तो आप 9th क्लास पास करके आप 10th क्लास में आए होगा ना? हाँ 76%। तो अच्छा, अरे वाह 76% बहुत जोरदार बेटा, बहुत जोरदार। हाँ। 76%। अब आप 10th क्लास में कड़ी मेहनत करो बिल्कुल, ठीक है? हाँ, ठीक है। 10th क्लास में ये प्रयास करो कि बिल्कुल 90 से ऊपर बनना चाहिए। हाँ। 90 से ऊपर, 90 से ऊपर लेकर के आना अपने तरफ से। हाँ। प्रयास करो, पूरा जीजान लगा दो ना। 10th क्लास में बिल्कुल ये सोचो कि मध्य प्रदेश में हमको रिकॉर्ड तोड़ना है और क्लास में हमको फर्स्ट आना है ना, ये प्रयास करके अपनी पढ़ाई करो। और 10th क्लास की गणित मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ है ना, आपने देखे भी होंगे। हाँ यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का मैंने पढ़ा दिया हूँ, कई सारे बच्चे लोगों ने पढ़े भी है। हाँ। तो आप उससे पढ़ाई करना शुरू कर दो और प्रयास ये करो गर्मी की छुट्टी में ही तुम्हारी गणित पूरे 15 चैप्टर तुम्हारे कवर हो जाए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, आप कहाँ से हो? हम छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा, ठीक है सर। हाँ हेलो बेटा, आप कहाँ से हो? सर मैं कहाँ से, एमपी। डाटा खत्म हो गया शायद आपका, आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही, अटक अटक के चल रहा है वीडियो। चलो सर मैं वापस रिक्वेस्ट भेजता हूँ, है ना सर? सिद्धार्थ जैन ऑफिशियल, ऐड कर लियो बेटा, ज्यादा रो मत। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अरे सर मैं वो इतने दिनों से आप तो कर रहा था मैसेज, आपने जवाब नहीं दिया था।
हाँ बेटा आप पूछ लो, आप जितना पूछने आप पूछ सकते हो आप। अरे मैं क्या है, बहुत 6 साल 5 साल से फेल हो रहा हूँ 10वीं। अच्छा हाँ हाँ तो आप पहले आप अपने बारे में थोड़ा। आपका चैनल सर मेरे तो परीक्षा 10 दिन पहले मिला। हाँ आपने इतना अच्छा पढ़ाया था, मैं उम्मीद नहीं थी मैं पास हो जाऊंगा सर। अच्छा हाँ मैं 100% पास हुआ सर। पास हो गए, बधाई हो उनको, क्या बात है। संस्था पेपर में सर 5 बजे उठते पढ़ा, रात तो सुबह पढ़ा। हाँ? और आपकी जो हाँ? बनाई थी प्रश्न संस्था थी उसमें इधर मैं पढ़ा देते तो 83 नंबर आया डिस्टेंस मिला था संस्कृत में मेरे को। अरे वाह बेटा वाह वाह, क्या बात यार, बिल्कुल। तो मतलब आप हाँ मैंने आपको भेजा भी था, मैंने आपको फोन पेपर मेरी तरफ से इनाम भी आपको मतलब वो गुरु दक्षिणा भेजी थी मैंने, पर आपने उसका जवाब दिया था, मेरा फनी गुरु जी नाम से आता था ना मैं। हाँ हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यार। चलो यार 10वीं पास हो गए, बहुत बहुत बधाई। इतना दिन से बोल रहा था मैं सर से मिलूंगा, सर से मिलूंगा, सर से मिलना ही नहीं होता आपसे। आपने फॉलो भी नहीं करा मेरे तो इंस्टाग्राम पे सर, मैं इतनी रितु भेजी तो लिंक भी करा मैंने सर, तो फॉलो करा। सिद्धार्थ नाम सिद्धार्थ जी, कहाँ से हो आप, कहाँ से हो? धार जिला सर, धार जिला। अच्छा धार जिले से हो, अरे वाह यार। तो मतलब आप कितने साल से 10वीं फेल हो रहे थे? 5-6 साल से सर, परेशान हो जा सर मैं, मतलब मैंने ओपन भी दे दी है, रुझा नहीं दे दी है, सब परीक्षा दे दी मैंने गणित में और अंग्रेजी में, इतना कमजोर है सर। और अंग्रेजी में मेरे तो बहुत कम नंबर आते थे, पर अब मेरे तो आज 43 नंबर अंग्रेजी में इस बार सर, आपकी मेहनत से, आपकी वजह से सर। नहीं बेटा पढ़ाई आपने कर रहे हो, मेहनत आपने कर रहे हो, अरे बधाई हो। आपकी एज क्या है? आपने इतना जट जट से पढ़ा है, जल्दी उठते पढ़ा है आपने भी हमारा। हाँ, आपकी एज क्या है बेटा? अभी तो मैं सर 20 तो हो जाऊंगा इस साल वैसे, पर मेरा अच्छा, है वेब डेवलपमेंट का काम है सर, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहा हूँ मैं भी। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल रहे, आप इसी तरह मेहनत करो। देखो मैं आपसे एक ही बात, देखो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि एक ही बात कहूंगा और जो बात मैं हर बार कहता हूँ, भगवान ने जितना दिमाग नरेंद्र मोदी को दिया है, भगवान ने इतना दिमाग कलेक्टर को दिया है, भगवान ने इतना दिमाग मेरे को दिया है, भगवान ने उतना दिमाग आपको भी दिया है। बस हमारे मन में एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए, और हमारे मन में एक ठानने का होना चाहिए कि यार हमको ये काम करना है, मतलब करना है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया, अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि हमको आला एग्जाम क्वालिफाई करना है, मतलब करना है, हमको इस फील्ड का मास्टर बनना है, मतलब बनना है, और आपने मेहनत करना शुरू कर दिया, तो आप बिल्कुल बन जाओगे। कोई इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है, इंसान चाहे तो क्या ना कर ले यार। हाँ सही बात, बस लगन से अपना काम करो। आपका आगे क्या लक्ष्य, क्या क्या बनने का आपका लक्ष्य आगे? मेरा अध्यय बनना है सर, पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा या फिर तो तलेत्तर। बेटा मैं लिख के दे रहा हूं, अपने मन में ठान लो कि मेरे को कलेक्टर बनना है, मतलब बनना है, आईपीएस बनना है, मतलब बनना है, मेहनत करना शुरू कर दो, बिल्कुल तुम बन जाओगे, बिल्कुल तुम बनोगे। हाँ। अपने आप सबसे बड़ा भरोसा होना चाहिए अपने आप पे, भरोसा, आत्मविश्वास। हाँ। अपने दिल से आवाज आना चाहिए कि यार कि जब वो बंदा बन सकता है तो हम भी बन के दिखा देंगे। हाँ, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना किसी से। हाँ, अपन सब कुछ कर सकते, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना है जो अपन कर ना सके। हाँ सर, सब कर सकते अपन, बस लगन से बिल्कुल भूल जाओ। मैं पूछ रहा था सब्जेक्ट कौन सा लूं सर, सब्जेक्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा मेरे तो सर। और हमारा जो स्कूल है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर आईटी उपलब्ध नहीं है सर, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस अवेलेबल नहीं है यहाँ पर सर। हाँ। तो कौन सा लूं सर, अर्थशास्त्र भी हेवी पढ़ रहा है, लोग बोल रहे, दूसरे बोल रहे अर्थशास्त्र ऐसा है, तो आप बताइए ना कौन सा लूं सर, आप बताइए। आपसे मैथ्स कैसे बनती है? मैथ्स सर मेरे बहुत तवीत है सर, मतलब 37 नंबर ही आया था मैथ्स में, पर वो आपकी आपकी मैथमेटिक्स वीक है ना? वीक है। और दूसरा आप ये चाहते हो कि मुझे कलेक्टर बनना है और पुलिस ऑफिसर बनना है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है। हाँ, इस तो है। तो अगर देखा जाए तो कलेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, हम कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी उसको क्रैक करना पड़ता है, और उसके लिए आपको पूरी आर्ट्स की बुक पढ़ना पड़ता है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की आर्ट्स 12वीं की आर्ट्स। तो फिर आपके लक्ष्य को देखते हुए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए शायद, देखो आप मेरा मान करके अपना विषय मत लीजिएगा, है ना कि नहीं? हाँ, जिंदगी में सुनो सबकी करो मन की, मेरी बात समझना। हाँ,
सब लोग सुनो, सब की लोगों से पूछो कि भाई साइंस लेने से क्या फायदा होगा, पूरे जड़ तक जाओ, पता करो कि साइंस वाला रास्ता कहाँ जाता है, ये पता करो कि आर्ट्स वाला रास्ता कहाँ जाता है, ये पता करो कि कॉमर्स वाला रास्ता कहाँ जाता है, ये पता करो कि एग्रीकल्चर लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। सुनो सब की, ज्ञान सबसे लो, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आए कि हमको करना क्या है, तो उसके लिए अपने दिल की सुनो। किसकी सुनो? अच्छा, दिल की। अपने दिल की सुनो। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपकी मैथमेटिक्स वीक है, और ग्यारहवीं क्लास में मैथ्स बहुत ज्यादा होती है, और आपको मैथ्स वाली फील्ड में जाना भी नहीं है, आपको सरकारी जॉब करना कुल मिला करके। तो फिर आईटी सेक्टर में सर लग जाएगा जॉब, मेरे तो टेंशन नहीं सर, वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो आईटी सेक्टर में आप ये भी कर रहे हो कि मुझे आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है। नहीं मतलब अगर नहीं मिले इधर अपने इस फील्ड में तो, हाँ, नहीं बोल रहा। तो अगर इंजीनियरिंग करना है आईटी, इंजीनियरिंग करना है आईटी सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए फिर मैथमेटिक्स लेना पड़ता है 11th और 12th में। गणित तो सब तरह भी लेना है सर फिर तो। और मैं साइंस लेकर के आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, और आप कलेक्टर भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स लोगे तो फिर आप 12th क्लास के बाद फिर आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अच्छा, लेकिन मैथ्स से लोगे तो फिर आप इंजीनियर ही बन पाओगे, डॉक्टर भी बन पाओगे, और आप कलेक्टर भी बन पाओगे। मैथ्स तो लेना पड़ा सर। और लेकिन अगर आप मैथ्स से लोगे तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, आपके नंबर कम है तो मुश्किल है कि स्कूल वाले शायद आपको मैथ्स दे। और अगर आप मैथ्स से ले भी लेते हो तो फिर आपको प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा कहीं पर, और आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि 11th क्लास की मैथ्स की बुक कितनी मोटी है। हाँ सर। और अगर देखो, अगर मैं नहीं बोल सकता, अगर आपको अपने आप पे भरोसा लगता है और आपका दिल बोलता है, दूसरा सर मैंने वो बोले कॉमर्स आईपी ले लो। नहीं, कॉमर्स भी अच्छा, देखो सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, कॉमर्स में भी आप अपना करियर बना सकते हो, आप आर्ट्स में भी करियर बना सकते हो। कई सारे लोग तो ऐसे है कि जो लोग आर्ट्स लेके पढ़े और अभी सरकारी जॉब उनकी लग चुकी है, नहीं तो कई बंदे ऐसे ही मिल जाएंगे जो आज मैथ्स लेकर के पढ़े और आज घर पे बेरोजगार बैठे है। अच्छा, तो सब्जेक्ट सारे अच्छे होते हैं, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि आर्ट्स में मेहनत बहुत कम लगती है और मैथ साइंस में मेहनत बहुत लगती है। अगर आप मैथ साइंस लेते हो तो आपको कम से कम 3 घंटे एक्स्ट्रा कोचिंग करनी ही पड़ेगी, और आपको डेली कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, इतनी मोटी मोटी किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और आर्ट्स में अगर आप पेपर के पास पास ही पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, आर्ट्स में मेहनत बहुत कम लगती है। हाँ, तो आप वैसे आप आर्ट्स लोग वैसे अगर आपके जैसे आप बता रहे हो कि मैं पांच मतलब कि पढ़ाई में थोड़ा वीक हूँ करके, तो आर्ट्स आपके लिए इसलिए जो है ना सर, सोशल साइंस में 58 नंबर आए थे, सोशल साइंस में 58 नंबर आए थे, तो वैसे आपके लिए शायद मेरे हिसाब से आपके लिए आर्ट्स लेना बेटर रहेगा। क्योंकि मैं तो क्या है, पहले भी ओपन पास हुआ था सोशल साइंस में, अच्छे नंबर आते मेरे तो सोशल साइंस, मतलब मैं इतिहास तक पढ़ता हूं। क्योंकि अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ोगे तो आप क्या पता आप 12th में 95 बना लो, है ना कि नहीं? अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ोगे तो आप 12th में अच्छे स्कोर कर सकते हो, और पुलिस की जॉब करने के लिए तो 10th बेस पर हो जाती है। वैसे अभी पुलिस की आने वाली है, एमपी पुलिस के भी 6000 पद आने वाले, कितने आने वाले है ना, और उसके लिए आपकी उम्र 18 से ऊपर होना, तो आप ऑलरेडी 20 साल के हो, और 10वीं क्लास पास होना, आप 10वीं क्लास पास हो चुकी हो, तो आप उसका फॉर्म डाल सकते हो। तो आप फॉर्म डालने की कोशिश करना, कम से कम आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन वगैरह उसमें पूछे आते हैं एमपी पुलिस वगैरह में। अच्छा, तो अभी एडजस्ट आने वाले उसके फॉर्म वगैरह एमपी ऑनलाइन में आर्ट्स सही रहेगा वैसे आपके हिसाब से, क्योंकि आपके मेंस में नंबर भी कम है। हाँ, है ना, हालांकि मैं बोल रहा सुने आर्ट ले लेता हूँ मैं, और अच्छा आर्ट करते अच्छा मतलब नंबर लूंगा 12वीं में, अच्छा परसेंटेज बना लूंगा। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि आर्ट्स लेने के बाद फिर आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। अच्छा, हाँ तो फिर क्या कर रहे, अपने दम पे चलू तना पड़ी सर। लेकिन अगर आप मैथ्स लोगे तो फिर मैथ्स में फिर मेहनत बहुत करना पड़ेगा, और मैथ्स आपकी वीक है। अगर आपको अपने आप ऐसा लगता है कि यार कि मैं मेहनत करूंगा और मैं ला सकता हूँ गणित में अच्छे नंबर, तो फिर आप मैथ्स में जाइए, अन्यथा फिर आप आर्ट्स ही लीजिए। तो आपको आर्ट्स भी एक नंबर विषय यार, कई लड़के लोग आर्ट्स लेकर के पढ़े आज कलेक्टर बन गई है, ठीक है। अच्छा, आर्ट्स कलेक्टर तो आर्ट्स वाले बन सकते हैं, कलेक्टर तो मैथ्स वाले बन सकते हैं, कलेक्टर तो एग्रीकल्चर वाले बन सकते हैं, कोई भी फील्ड का बंदा कलेक्टर बन सकता है।
आर्ट्स में ऐसा तो ही रिक्वायरमेंट, मतलब आर्ट्स भी बन सकते हैं, आर्ट्स से भी। हाँ आर्ट्स से बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। बस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ और ये रियल स्टोरी है। हाँ। एक एक व्यक्ति 12वीं क्लास में कम से कम 4 साल फेल हुआ। कितने साल फेल हुआ? 4 साल 12वीं क्लास में। कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में बंदा 4 साल फेल हुआ और वो बंदा गाय चराता था। एक बार गाय चराते चराते क्या हुआ कि उसकी जो खेत की जो गाय थी, और रियल स्टोरी है, जो कहानी नहीं बता रहा हूँ, असली कहानी है, ठीक है ना। गाय चराते चराते उसकी जो गाय थी वो किसी के खेत में घुस गई और खेत वाला लठ लेकर के आया और उसको उसने मारना शुरू कर दिया, ठीक है। और तो उसने जब उसका विरोध किया तो खेत वाले ने बोला कि तू कहीं का कलेक्टर है क्या करके। तो उसके मन में ना उसको वहां पर जिद आ गई कि यार मुझे कलेक्टर बनना है। और इंसान का दिमाग कब फिर जाए? उसका दिमाग फिर गया। उनने सोचा साला क्या होता है कलेक्टर, अब कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर की पढ़ाई करना चालू करूंगा। उनने पढ़ना शुरू किया। जो बंदा 12वीं में 4 साल फेल हुआ था, उन्हें 12वीं क्लास निकाला, कॉलेज उसने ओपन से किया और आज वो बंदा मुंबई में IPS ऑफिसर है। अच्छा। एग्जाम उन्हें क्वालिफाई कर चुका है। तो इंसान मैं खुद 8वीं क्लास तक मैं खुद इतना कमजोर था पढ़ाई में, क्या बताऊं। लेकिन 10th क्लास में रिकॉर्ड तोड़ा, 12th क्लास में 100 में से 97 मेरे मैथमेटिक्स में, ठीक है। हां देता मैंने बताया था आपने। अगर आपके अंदर अगर जुनून आ जाए तो फिर आप कभी भी अपना, जैसे आपके अंदर अभी जुनून आ गया कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है, आप क्या पता आप 12th क्लास में आप मध्य प्रदेश में फर्स्ट जाओ। हां सर ऐसा भी होता है, होता है ना सर। हां हां सर, तो मैं बोल रहा था कि मेरे तो फॉलो कर लेना सर। क्या करना है? फॉलो कर देना मेरे तो फॉलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पढ़ाया। चलो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने अच्छे को चलो पास हो गया यार, बहुत खुशी हुई यार। मेहनत करो, अपने सपने पूरे करो, है ना। जी जी धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद आपका भी, आपने पढ़े, आपके लिए धन्यवाद, ठीक है। आपका आशीर्वाद है सर। जी जी बस भाई, ठीक है भाई, बाय बाय। जी जी।